हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी वाइब्स हैशटैग कंचन। तो आज की रेसिपी उन लोगों के लिए है जिनको एग खाना पसंद है। तो ये एग की बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। मैंने 3 अंडे ले लिए हैं, थोड़ा सा नमक डाला है, लगभग आधी चम्मच काली मिर्च डाला है और इसको अच्छी तरीके से फेंट लिया है। फेंटने के बाद पैन में थोड़ा सा बटर या ऑयल डालेंगे और ये मिक्सचर अंडे का वो डाल देंगे और फ्लेम जो है वो स्लो टू मीडियम रखेंगे क्योंकि हमें अंडे को जलाना नहीं है, सॉफ्ट सॉफ्ट ही रखना है। तो जिस तरीके से मैं अंडे को फैला रही हूँ ना, इस तरीके से इसको फैला लेंगे। अंडे बन करके तैयार हो गए, इसको ओवर कुक नहीं करना है। अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैंने 9 से 10 कलियां गार्लिक की ले ली, इसको मिंस कर लेंगे। इसका पेस्ट नहीं बनाना है। 1 चम्मच बटर डाला और ये मिंस्ड गार्लिक डाल लिया, इसको चॉपर में चॉप कर लिया था मैंने। और इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से ना एक बड़ा अच्छा नटी टेस्ट आ जाता है इसका। और जलाना नहीं है, ये ध्यान रखना है। और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे, 1 टीस्पून। और इसको भी अच्छी तरीके से बटर और गार्लिक के मिक्सचर में अच्छे से टोस्ट करेंगे। टोस्ट करने के बाद इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ऑरेगेनो और थोड़ा सा नमक डाला है और साथ ही 1/2 कप दूध डाला है। मेक श्योर कि लम्स नहीं बनने चाहिए कॉर्नफ्लोर के, तो इसलिए धीरे धीरे करके मिल्क डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो बेस बन करके हमारा तैयार है। इसको पकने में 1 से 2 मिनट लगता है और ये एग की रेसिपी इतनी ईजी है ना कि सारा प्रोसेस के साथ ही 5 मिनट में तैयार हो गया था। हाँ, आपके पास इंग्रेडिएंट रेडी होने चाहिए। और अब इस स्टेज पे मैंने जो हमारे कुक्ड एग थे ना वो डाल दिया है और इसको एक अच्छा सा मिक्स देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से कोट हो जाए। और फ्लेम अभी हाई है तो हाई फ्लेम पे इसको 1 मिनट बस अच्छे से टॉस करेंगे और इसके बाद हमारा एग खाने के लिए तैयार हो गया है। इसको आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं और अगर आपको लाइट डिनर करना है उसके साथ भी ये खा सकते हैं। ये बहुत अच्छा मील ऑप्शन है। साथ ही इसके साथ अगर आप कुछ ब्रोकलीज, बीन्स ये सब भी रोस्ट करके रख लें तो ये बहुत ही अच्छा आपका एक डिनर ऑप्शन बन सकता है। तो फिलहाल ये तो मैंने ब्रेकफास्ट में दिया था। आई होप आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कॉमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।